गई है फिलहाल और 12 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। मुस्लिम पक्ष ने 51 बिंदुओं पर आज रखी है अपनी दलील और एक बिंदु पर अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष दलील रखेगा। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष फिर से रखेगा अपनी बात। वीडियो लीकेज पर आज कोर्ट में नहीं हुई कोई भी चर्चा, तो वीडियो लीकेज पर आज कोर्ट में कोई चर्चा नहीं हुई है फिलहाल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कोई चर्चा न होने की बात सामने आई है। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से अपनी बात रखेगा, तो 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष फिर से रखेगा अपनी बात। फिलहाल ये आम खबर, मुस्लिम पक्ष ने 51 बिंदुओं पर आज अपनी दलील रखी है। तो 51 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी है और एक बिंदु पर अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष दलील रखेगा और 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष फिर से रखेगा अपनी बात। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है जहां पर अब 12 जुलाई को अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है। वीडियो लीकेज पर आज चर्चा हुई है और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारी संवाददाता सोनाली पटवा जुड़ चुके हैं। सोनाली, 12 जुलाई की अगली तिथि निर्धारित की गई है और फिलहाल आज सुनवाई को टाला गया था, क्या जानकारी है आपके पास? जी, आपको बता दें कि आज सुनवाई ज्ञान वापस सिंगारागौरी केस का 2 बजे के करीब स्टार्ट हुआ था। कोर्ट परिसर के अंदर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता, सशक्त जो आदि करता है महिलाएं हैं वो भी गई थी और अभी की बात की जाए तो कुछ ही वक्त में ये वो सुनवाई पूरी हुई है और एक ही विशेष की अदालत में ये सुनवाई हो रही थी। उनकी तरफ से साफ तौर पर ये जो सुनवाई है वो 12 जुलाई के लिए टाल दी गई है और अब जो भी सुनवाई होगी वो 12 जुलाई को होने वाली है। आपको यह बता दें कि आज भी मुस्लिम पक्ष को अपना जो बिंदु है वो रखने का मौका मिला, अपनी दलीलें उन्होंने आज रखी हुई है। इससे पहले 30 मई की तारीख थी जिस 30 मई को उन्होंने मुस्लिम पक्ष को ही मौका मिला था अपनी दलीलें रखने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने 36 जो पॉइंट है अपने जो उन्होंने उस वक्त रखा था और आज उन्होंने कुछ पूरे 51 पॉइंट है जो रखे थे, 52 पॉइंट रखने हैं उनके, एक पॉइंट बचा जो अब वो 12 जुलाई को भी रखने वाले हैं। आज की बात बता दें आपको तो हिंदू जो पक्षकार है, हिंदू अधिवक्ता है, उनको अपनी तरफ से कोई मौका नहीं मिला है आज दलीलें जो पूरी करने के लिए। 1 से 1.5 घंटे आज सुनवाई हुई है जिसमें जो मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता है वही अपने जो पॉइंट है, अपने जो बिंदु दलीलें हैं वो रख पाए हैं। तो ये अब यह देखना होगा कि 12 जुलाई को क्या कुछ होने वाला है। 12 जुलाई को जो मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता है वो भी अपना पॉइंट रखेंगे, साथ ही साथ जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है वो भी रखने वाले हैं। बात यहाँ आपको बता दें, हिंदू पक्ष के पत्रकार की तरफ से कई ऐसी बातें निकल के आ रही हैं, यहाँ पे जितेंद्र सिंह बिसेन की तरफ से भी कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उस पे भी सुनवाई होना है और साथ ही साथ 10 ऐसी याचिकाएं हैं जो इस केस में शामिल होने चाहते हैं उनके भी याचिकाओं पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। जी आप, जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन सोनाली, अगर बात करें सुनवाई का इस तरह से टाला जाना, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को निपटाएं, इस पर सुनवाई करें और फैसला जो है वो सामने आए, लेकिन इस तरह से अगर सुनवाई आगे टलती जाएगी तो आखिर वक्त इसमें कितना लगने वाला है स्पष्टता और फैसला आने में? जी आपको बता दें कि केस जो चल रहा है सिंगारागौरी का, इसे लेकर जो टाइमलाइन दी जा रही है कोर्ट की तरफ से वो बहुत वक्त लग जा रहा है, क्योंकि अभी बीच में 1 महीने की जो गर्मी की छुट्टी होती है अदालत की वो भी हुई थी, जिसे लेकर अभी फिर से केस को शुरुआत कर दी गई है। पर ये देखना दिलचस्प होगा ये कि ये जो केस है जो मुस्लिम पक्ष है बार बार वो कह रही है जो 1991 वर्शिप एक्ट है उसको लेकर वो अपना जो बिंदु रख रहे हैं, अपने पॉइंट रख रहे हैं, उसको लेकर साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जो केस चल रहा है सिंगारागौरी का ये सुनने लायक ही नहीं है, योगी नहीं है ये केस। पर ये कह सकते हैं कि कुछ दिनों में जो अगली सुनवाई है उस पर ये निर्भर कर सकता है, उस दिन ये पता चल सुनवाई की फैसला आ सकता है कि यह केस आगे चलने लायक है या योग्य है या नहीं है, ये 12 जुलाई को ही पता चलेगा। और साथ ही साथ बता रहे समय टाइमलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया था कि सबसे पहले तो आदेश दिया था कि सबसे पहले जो पॉइंट रखा जाएगा वो मुस्लिम पक्ष द्वारा रखे जाएंगे, वो अपनी दलीलें रखेंगे अदालत के सामने, क्योंकि उन्होंने दाखिल किया था, अर्जी दी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि सबसे पहले मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता है उनको अपनी दलीलें रखने का मौका मिला। उसी प्रकार एक विशेष के अदालत में पहले मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं को ही मौका मिला, उसके बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है वो अपना 12 जुलाई को भी अपना उन्हें भी मौका मिल सकता है अपना पॉइंट रखने के लिए। और यह तो देखना होगा कि क्या 12 जुलाई को आगे भी टाइमलाइन मिलती है या उस दिन ही कुछ बड़ा फैसला आने वाला है। जी
बिल्कुल, यानी 12 जुलाई का इंतजार करना होगा, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर किन चीजों को लेकर सुनवाई हो रही है। लेकिन अगर सोनाली बात करें, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी दलीलों को मजबूत करने की प्रयास जो है वो लगातार कर रहे हैं, अपने इन दलीलों के मजबूत होने के बाद ही यहां पर कहीं ना कहीं केस जो है वो आगे बढ़ेगा, ऐसे में इस तरह सुनवाई का टाला जाना, ये वक्त मिलना किस पक्ष के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है? जी आज बात की जाए, जब आज हमने मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अमरनाथ यादव से बात की, उनका साफ तौर पर उनके फेस पर जो खुशी देखने को मिली, तो उनका ये कहना था कि वो मजबूती के साथ आज भी उतरे हैं। वो भी कह रहे थे कि हम बहुत मजबूती के साथ उतरे हैं, क्योंकि तो हमें जो ये बीच में टाइम मिला है वो बहुत ही अच्छा टाइम मिला था कि वो केस पे अपनी नजर और भी चीजों को पॉइंट जो है वो बना सके, तो इसे लेकर वो बहुत मजबूती से उतरने का आज वो दावा कर रहे थे। साथ ही साथ हिंदू पक्ष के लोग भी बोल रहे थे कि हम पहले से ही हमारा जो सर्वे हुआ था उसको लेके, बाबा मिलने वाली चीजें जो तथ्य मिले थे उसको लेकर वो तो पहले से ही खुश थे। पर अभी जो आज की बात की जाए तो अमरनाथ यादव से हमने बात की थी और वो कह रहे थे कि हमारे पास और भी ऐसे सबूत आए हुए, ऐसी चीजें हैं, पॉइंट है जो हम रख सकते हैं कोर्ट के सामने। तो मुस्लिम पक्ष जो पहले नजर आ रही थी कि वो उतनी मजबूती से नहीं खड़ी उतरी थी, पर आज की बात की जाए तो वो अपने पूरी तरह से मजबूती के साथ इस बार उतरी हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन सुनाली देखिए, जैसा कि आप बता रही कि दोनों ही पक्ष अपनी दलीलों को मजबूत करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में काफी अहम हो जाता है। लेकिन अगर वाराणसी की बात करें तो न सिर्फ इस केस पर वाराणसी की बल्कि पूरे देश की नजर बनी हुई है, लेकिन वाराणसी में फिलहाल क्या माहौल है, क्या जो ज्ञानवापी परिसर है यहां पर नमाज ठीक तरह से अदा हो पाती है, जो स्थानीय लोग हैं वो इन सारी चीजों में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी आपको बता दें कि काशी की बात की जाए तो गंगा जमुना की तहजीब कही जाती है यहाँ पर, और रही बात मुस्लिम समुदाय के लोगों की या हिंदू समुदाय के लोगों की, सबकी नजर कोर्ट पे बनी हुई है, जो निर्णय आएगा कोर्ट की तरफ से यहाँ पे सब वो एक्सेप्टेंस करने वाले हैं और सब यहाँ मिलजुल के ही रहने की बात कही जा रही है दोनों पक्ष की तरफ से। और जहां तक शिवलिंग मिलने की बात हुई थी हिंदू पक्ष सरकार की ओर से, तो यहाँ पे जो पक्ष के लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना जो सर्वे हुआ है उसको लेकर वो भी अपने पक्ष में चीजें बता रहे हैं कि यहाँ पे चीजें मतलब वो चीज होगी। और साथ ही साथ बात की जाए जुम्मे की नमाज को लेकर या हो तो जुम्मे की नमाज भी बहुत अच्छे से यहाँ पे हो रही है, किसी भी प्रकार से कोई भी हिंसा की चीजें नहीं दिख रही है, क्योंकि जो यहाँ वासी की प्रशासन है वो बहुत सख्त नजर आ रही है और हर अपनी जो कड़ी नजर है वो हर जगह बनाई हुई है। जी बिल्कुल, यानी सभी जगह पर जो नजर है वो प्रशासन की बनी हुई है। फिलहाल क्या सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें सुनाली, तो क्या इस परिसर में जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार मौजूद रहते हैं, किस तरह से सुरक्षा की जा रही है उस परिसर की जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष लगातार कर रहा था? ज्ञानवापी परिसर की बात की जाए जहाँ शिवलिंग प्राप्त हुई है, वहाँ पे जब से ये सर्वे का समय था उस वक्त हिंदू पक्षकार की ओर से शिवलिंग की जगह से सुरक्षित रखने को कही गई थी, कोर्ट की तरफ से भी कही गई थी, जिला जो यहाँ के जज है वो भी उन्होंने भी निर्णय दिया था कि वहाँ पे डीएम और एसएसपी जो डीएम है और यहाँ के जो कमिश्नर है उनके पे सौंपा था पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी। तो ये कह सकते हैं कि जितनी सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी पुख्ता की गई है, किसी भी तरह से शिवलिंग पे छेड़छाड़ ना हो सके और यहाँ पे लोगों की जो आहत उससे जुड़ चुकी हुई है, एक लोग जो आस्था बना चुके हैं उस शिवलिंग को लेकर उसे कुछ ना हो उसको लेकर बहुत तरह सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कोर्ट परिसर में भी जहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है, सुनवाई हो रही है, वहां पे भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जितने हिंदू पक्षकार है, मुस्लिम पक्षकार है, उनके अधिवक्ता, उनके साथ साथ भी सिक्योरिटी रखी गई है कि किसी भी प्रकार उन्हें कोई दिक्कत ना हो सके और इस केस में कोई खलल ना आ सके। जी बिल्कुल, सुनाली अगर बात करें, जब ये मामला तूल पकड़ा, जब पूरी चीजें सामने आई थी, इसके बाद से जुमे की नमाज पर यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही थी, नमाजियों की संख्या जो थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब जब मामला फिलहाल कोर्ट पूरी तरह से संभाल रहा है, चीजें थोड़ी सामान्य होती हुई दिखाई दे रही, ऐसे में क्या जुमे के दिन जो नमाजी है उनकी संख्या किस तरह की होती है, क्या शांतिपूर्वक तरीके से आप नमाज अदा कर पाते हैं नमाजी? जी आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज को लेकर जो प्रशासन चीजें चल रही है, प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, वाराणसी प्रशासन पूरी तरह से मतलब सख्त है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वो जिस तरह से कमेटी, मुस्लिम कमेटी हो गई, हिंदू कमेटी हो गए, उनसे वो जिस तरह से मीटिंग करते हैं जुम्मे की नमाज के पहले भी, और शांतिपूर्वक सारी चीजें हो सके, किसी प्रकार का हिंसा ना हो सके, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। साथ ही साथ चप्पे चप्पे पे वो अपनी नजर बनाए रखते हैं, मार्च भी करते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी कहीं चूक ना हो सके और किसी पर्सन को कोई ऐसी चीजें ना समझे कि वो ऐसा कोई दंगा फसाद कर सके। जुम्मे की नमाज की बात की जाए तो जुम्मे की नमाज भी शांतिपूर्वक होती है और शांतिपूर्वक चलता रहता है। जी
बिल्कुल सुनाई तो लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से चल रही हैं और फिलहाल सुरक्षा कर्मी हैं वो भी चीज़ों को संभाले हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुनाई आपका हमारे साथ जोड़ने की और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज़ के दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बताए थे वाराणसी से ही, जहाँ पर अब 12 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। और फिलहाल